हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज पिछले दो तीन दिन से पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेकर कुछ कॉमन क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मिले पासपोर्ट स्टैंपिंग के बारे में, पेमेंट लिंक के बारे में, कितने समय में आता है, कितने समय में पासपोर्ट स्टैंप होकर आता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वेलकम बैक गाइस। हमेशा कोशिश करता हूँ एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। उसमें जितनी भी अपडेट्स आती हैं, चाहे वो आईएलटीएस की हो, इमिग्रेशन की हो, आपके साथ हमेशा एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो बच्चों का कॉमन क्वेश्चन आता है कि पेमेंट लिंक कितने दिनों में आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि इन दिनों जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है बहुत आ रही हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बढ़िया है, क्योंकि आप सभी के जो ड्रीम है कंप्लीट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो हाई कमीशन है, जो वैक सेंटर वाले हैं, उनके पास हाई वॉल्यूम में वेब फॉर्म जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए सभी को पेमेंट लिंक भेजना डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो इस समय हम जो एवरेज टाइम देख सकते हैं, आपका पेमेंट लिंक एक आवर में भी आ सकता है और इसको 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के कंसर्न आते हैं कि सर हमने 2 दिन पहले जो वेब फॉर्म फिल किया था अभी तक हमें पेमेंट लिंक नहीं आया। तो गाइस आप इस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्यूजडे भरा है, आपने थर्सडे भरा है, तो बाद में 2 हॉलीडे आ जाती हैं, ठीक है, वैक सेंटर में। तो इस समय टू बी ऑनेस्ट जो प्रोसेसिंग टाइम है पेमेंट लिंक आने का, आप 3 से 4 वर्किंग डेज मान के चलिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। दूसरी चीज, उसके बाद जब आप अपना पेमेंट लिंक आ जाता है, पेमेंट कर देते हो, AWB नंबर आपको मिल जाता है, तो पासपोर्ट कितने दिनों में स्टैंप होकर आता है। देखिए गाइस, यहां पर 2 सिनेरियो है। आप कौन सी सिटी से आपका कोरियर जा रहा है, बिकॉज देखिए अगर आपने किसी रिमोट सिटी है, जैसे कोई स्मॉल सिटी है, वहां से आपने अपना पासपोर्ट सबमिट किया है, तो वहां से जो कोरियर है इकट्ठे होकर एक बड़ी सिटी में जाएंगे, वहां से जो मेन डेस्टिनेशन है वहां तक जाएंगे। अगर आपने पासपोर्ट अपना जो बड़ी सिटी में जमा कराया है, तो वहां से पासपोर्ट जाने में और आने में आसानी होगी। और कलेक्ट कहाँ से करना है, एड्रेस कहाँ है डिलीवर का, तो अगर वो बड़ी सिटी का होगा तो डेफिनेटली जल्दी आएगा, अगर वो स्मॉल सिटी का होगा तो डेफिनेटली इट मे टेक टाइम। तो पूरे कंप्लीट प्रोसेस को मैक्सिमम 20 to 25 डेज लग सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रॉब्लम तो कोई नहीं आएगी, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अगर आपने पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना है। आपने उसमें कंसेंट फॉर्म फिल कर भेजना है। दूसरी चीज़, आपकी बायोमेट्रिक हुई है अगर, तो एप्लीकेंट वांट टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक, वहाँ पर अपना वहाँ पर अपना नेम, सिग्नेचर वगैरह मेंशन करनी है और डेट। दूसरी चीज़ है पासपोर्ट रिक्वेस्ट, तो साथ में आपने भेजनी है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर ये सभी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो, ठीक है, देन आपका पासपोर्ट 20 to 25 डेज में स्टैंप हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो, कितने दिनों में आता है पेमेंट लिंक, क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते, डिटेल वगैरह अपने ध्यान से भरना, बिकॉज बाद में अगर कोई मिसमैच हो गया तो फाइनल स्टेप पर आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। आने वाली वीडियोस किन टॉपिक्स पर बनाऊं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस।